वेलकम बैक अगेन। यहाँ आपको बताया जहलम में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। इंतजामिया ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 66 दुकानें सील कर दी। मुतादिद दुकानदारों को गिरफ्तार भी किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज भट्ट से। शहबाज भट्ट, बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ? जी बिल्कुल, जेलम में कोरोना वायरस में मुबतला अफराद की तादाद 133 हो गई है, लेकिन इसके बावजूद लॉकडाउन की मुसलसल खिलाफ वर्जियां देखने में आ रही हैं। ना मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही समाजी फासलों को अपनाया जा रहा है। कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से हमारे साथ तहसीलदार मौजूद है, बताइएगा क्या कार्रवाइयां अमल में लाई गई है? 66 दुकानें हमने सील की हैं, 3 FIR हमने दी हैं और 3.5 लाख से ज्यादा हम जुर्माना कर चुके हैं। जी बिल्कुल, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 3.5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया है। 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं, जबकि जो 66 दुकानें हैं बताई गई हैं कि वो भी सील कर दी गई हैं। लेकिन इसके बावजूद आवाम तहाल बाज नहीं आ रही, दुकानदार बाज नहीं आ रहे और लॉकडाउन की वायलेशन की जा रही है। पुलिस जो है वो हमें अब नाकों पर दिखाई नहीं दे रही। इंतजामिया मुतरक है, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला हमें देखने में मुसलसल नजर आ रहा है। जी